warahmatullahi wabarakatuh, and a very warm welcome to Evening with Shireen. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे. मुझे पहचानते हैं आप लोग या भूल गए? मेरी बेटी ने आप लोगों को पता नहीं क्या कुछ सिखा दिया कि मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी ज़रूरत शायद ना हो. बहुत से लोगों को हो भी और बहुत से लोग सुमेरा के फ़ैन बन चुके होंगे. खैर, आप लोगों का बेहद शुक्रिया. आप लोगों का फीडबैक मुझे बिल्कुल मिलता रहा है और मैं आपसे बहुत दूर सात समंदर पार दूर गई थी और बहुत इंजॉय किया. इतना इंजॉय किया है मैंने, मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी का बहुत प्यारा सफ़र गुजरा है. मेरे अल्लाह ताला का बहुत एहसान रहा मुझ पे, मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे बच्चों का साथ. मेरे बेटे का बेहद शुक्रिया करती हूँ कि मुझे उसने इतना अच्छा ट्रिप पे भेजा. और वाकई औलाद ऐसी प्यारी नेमत है, ऐसी प्यारी चीज़ है. खुशकिस्मत हैं मुझ जैसे माँ बाप जिनको ऐसी औलाद मिलती है, कि जिनको एहसास होता है अपने माँ बाप का कि मम्मी इतनी थक गई है एंड शी नीड्स अ ब्रेक. थैंक यू हिशाम, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. और उसके बाद मसाला मैनेजमेंट का बेहद शुक्रिया अल्ताफ़ का, पत्थर साहब का, कि जो सुमेरा पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि पूरा मेरा शो उसको बच्ची के हाथ दे देते हैं बग़ैर सोचे समझे कि वो कैसा करेगी. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मैनेजमेंट का. उसके बाद सुमेरा का बेहद शुक्रिया. सुमेरा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती मेरी जान. जिस तरह से तुमने मेरा शो संभाला, जिस तरह से मुझे वहाँ, मैं कभी कभी पिक्चर्स देखती थी तुम्हारी, वीडियोस तो मैंने शायद एक या दो देखी थी जो फारूक मुझे भेजते थे, टाइम ही नहीं होता था. लेकिन पिक्चर्स जो देखती थी, क्या तुम्हारा प्रेजेंटेशन था बेटा, मैं नहीं कर सकती. मैं आज आप लोगों को साफ बता रही हूँ, वो बच्ची मेरी बहुत मेहनत की, उसने एक एक सारा सामान मेरे पास है, लेकिन निकालना, स्टोर रूम से रखना, लेके आना, फिर लेके जाना, मेरे बस की बात नहीं है. तो आप लोग उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी. इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन, उसने आप लोगों की आदतें ख़राब की हैं. लेकिन रेसिपीज़ मैं आपको अच्छी से अच्छी सिखाऊंगी, बहुत अच्छी सिखाऊंगी. मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे. मैंने कनाडा में दो क्लासेस की हैं और अमेरिका में मैंने तीन क्लासेस की हैं. मैं आपको वो रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. लेकिन टाइम लगेगा, बिकॉज दिसंबर तक का प्लान मैं दे चुकी हूँ, जनवरी में सिखाऊँगी. और मेरे तमाम चाहने वाले जो कनाडा में और जो अमेरिका में, जो मुझे प्यार दिया है, मैंने वहाँ अपनी पर्सनल क्लासेस की, जो मुझे रिस्पांस मिला, जो मुझे घेरा है लोगों ने, जो मोहब्बत मुझे दी है, वाकई मैं हैरान हूँ कि इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, इतना एहतमाम. इस वक्त जो जो मेरा शो देख रहे हैं मिसिसागा में, टोरंटो में, जहाँ जहाँ, डैलस में, ग्रैंड रैपिड्स में, प्लीज़, नाम तो नहीं ले सकती लेकिन थैंक यू सो मच. नूर जहाँ अब्दुल्ला का बेहद शुक्रिया कि वो नाइग्रा फॉल्स पे मैं उनको देखने गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं, शी कांट वॉक, बट शी मेड अ रेड वेलवेट केक फॉर मी और इतना कुछ अहतमाम. सना तैमूर, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आपने मुझे अपना घर दिया, मेरी क्लासेस कराई. मेरे भाई भाभी का शुक्रिया. और डैलस में मेरी जान से प्यारी दोस्त, मेरी बहन यास्मीन, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने घर में क्लास कराई और मुझे इतना, यू लव मी लाइक योर ओन सिस्टर एंड आई लव यू लाइक माई सिस्टर. बहुत शुक्रिया तमाम चाहने वालों का. आप लोगों को तोहफ़ों का बेहद शुक्रिया. दो सूटकेसेस भर के मुझे एक्सेस दे के सामान लाना पड़ा है, बेहद शुक्रिया. इसी के साथ ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बहुत बातें करेंगे और कुकिंग की तरफ आएंगे. स्टे विद मी. बनोफी पाए, बेस के लिए अज्जा, पिघला मक्खन 3 आउंस, बिस्किट्स 250 ग्राम, कैरमल के अज्जा, मक्खन 4 आउंस, ब्राउन शुगर आधा कप,
कंडेंस्ड मिल्क एक केन, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, टॉपिंग के अज्जा, केले स्लाइस में कटे तीन अदद, फिटी हुई क्रीम एक कप, बनाना एसेंस चंद कतरे, कद्दूकश चॉकलेट एक से डेढ़ कप। बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा पिघला मक्खन 3 आउंस बिस्किट्स 250 ग्राम कैरमल के अज्जा मक्खन 4 आउंस ब्राउन शुगर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क एक केन बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे टॉपिंग के अज्जा केले स्लाइस में कटे 3 अदद फिटी हुई क्रीम 1 कप बनाना एसेंस चंद कतरे कद्दूकश चॉकलेट 1 से डेढ़ कप। देख रहे हैं आप इवनिंग में शिरीन, मुझे इतना आज अजीब सा लग रहा है कि आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं कहीं नई जगह आके खड़ी हो गई हूँ। आदत छूट गई ना, एक महीना हो गया पूरा मुझे आप लोगों से गए हुए। खैर, अब वापस से आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आई जाऊँगी। ज़ाहरी बात है वहाँ का इतना डिफरेंट होता है हर चीज़ बहुत, और मैं कहती हूँ ठीक है अपना मुल्क के जैसी कोई जगह नहीं है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप यकीन जानें जो सुकून और जो पीस मुझे वहाँ मिला है उन दोनों जगह पे, मतलब हर चीज़ आपको ख़ुद करनी पड़ती है। मैंने तो खैर नहीं की, मुझे तो किसी ने कोई चीज़ हाथ भी नहीं लगाने दी, ना मेरी भाभी ने, ना मेरी भांजियों ने, ना मेरी भांजे की बीवी ने, ना मेरी दोस्त ने, कुछ भी नहीं, एक ग्लास भी नहीं उठाती थी। लेकिन बेचारे उनको देखती थी ना तो अपने मुल्क की कदर आती थी कि हर चीज़ खुद करना पड़ता है, हर चीज़। ठीक है डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, लेकिन करना तो है ना, प्लेट तो आपको उठा के रखनी है ना, पानी तो पिलाना है ना, मतलब हर चीज़। तो अल्लाह ताला का हम कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें हर चीज़ मुहैया है। हालांकि मैं उस वक्त वहाँ होती तो मेरा यही होता था, मैं सबको यही कह के आई हूँ कि नहीं बस मैं अब बहुत जल्दी आ जाऊँगी वहाँ पर, मुझे अब वहीं आके रहना है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको फिर अपने मुल्क की कदर, अपने मुल्क का एहसास होता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे दी है, हर चीज़ हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं अपने मुल्क को अमेरिका और कनाडा जैसा बना सकते हैं। बिल्कुल हम बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें अपने घर की खुद की सफाई से, तो आप देखें हमारा मुल्क कैसा होगा। मैं तो वहाँ हर जगह देखती थी और ये कहती थी अल्लाह कितने लकी हो तुम लोग, कितना साफ़ सुथरा हर चीज़, हर चीज़। लेकिन हम भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह स्टार्ट कर गया आज से, तैयार कीजिए हम करेंगे। अच्छा जी, बैनफी पाए, मैंने यहाँ पे बेस बिस्किट, बेस एनी गुड बिस्किट्स आप ले लीजिए, टी बिस्किट्स, टी टाइम बिस्किट्स, कोई से भी ले लीजिए। 2 कप चूरा होना चाहिए, उसको हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद उसमें हमने बटर मेल्ट करके मिलाया 3 ounces, दैट्स 3 tablespoons हीप्ड, और आपने इसको 8 inches की पाई प्लेट में अच्छी तरह से स्प्रेड करके मैंने चिल कर लिया फॉर 15 minutes। ठीक है, अब मुझे इसका कैरमल बनाना है, और कैरमल बनाने के लिए हम बनाएंगे इसको मिल्काना के कंडेंस मिल्क के साथ, जो कि इटालिया का है। ठीक है, सब में पहले मुझे चाहिए 1/2 कप चीनी, 1/2 कप मतलब अच्छी तरह दबा के, ये है ही 1/2 कप। ठीक है, 1/2 कप चीनी, इसमें मैं शामिल करूंगी कंडेंस मिल्क मुझे चाहिए 1 can। अब ये बड़ा कैन है तो आप समझ लो आप ले लो 1 cup भर के। बिल्कुल ही
अच्छी तरह से आप पूरा निकाल दीजिए इसको। मैं बिल्कुल स्पैचुला यूज़ करूँगी। अस्सलामु अलैकुम फहमीदा। अस्सलामु अलैकुम शीरीन आंटी, हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो गुड। ग्रेट, हाउ इज माय? सो एक्साइटेड टू सी यू। वी आर सो हैप्पी, सो हैप्पी टू सी यू बैक। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत। वी आर ऑल मिसिंग यू सो मच। व्हाई यू डिडंट एंजॉय विद माय डॉटर? वी एंजॉयड, आई एम टेलिंग यू, शी हैड रॉक द शो। She did very nice, very nice. Alhamdulillah, alhamdulillah. Now I'm so happy to see you back and you're waiting to see your recipes. I'm so excited to see this. Inshallah, inshallah, beta. Zarur, zarur. Thank you, Shireen aunty. Okay, beta. Give my love to your sisters and to your mom. Walaikum salam. Okay, jaan. Allah hafiz. Achha ji, ismein ab main dalungi 4 ounce makhan. Theek hai? और इसमें चला गया आधा कप चीनी और एक कप बिल्कुल भर के, ऊपर तले भर के एक कैन चाहिए ना हमें कंडेंस मिल्क का, 420-425 ml का आता है, इटालिया का मिल्क आना लीजिएगा। और इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है जब तक ये कैरामलाइज हो जाएगा, फौरन हो जाएगा ब्राउन शुगर की वजह से। इसमें बटर जाएगा, फोर आउंस, ठीक है, और इसको हम 5 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट कुक करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, लेकिन आप ज़रूर ठंडा करेंगे। इसलिए ठंडा करेंगे, अगर इस इसके ऊपर अगर आपने गरम डाला ना, तो जो बिस्किट का टेक्सचर है ना, वो बहुत सॉगी हो जाएगा। और जब आप इसको खाएंगे तो ये मुंह में अजीब सा आपको फ़ील होगा, इट वॉन्ट बी नाइस एंड क्रिस्पी, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको क्रंची फील होना चाहिए। तो उसको आप थोड़ा ठंडा करिएगा। ठंडा करके इसके ऊपर मैं डालूँगी आधे से ज़्यादा, फिर केले रखेंगे ऊपर डायगोनली स्लाइस करके, फिर जो थोड़ा सा मैं बचाऊंगी कैरमल, उसमें मैं व्हिप्ड क्रीम फोल्ड करूंगी। आप देखिए क्या करती हूँ, मेरे साथ कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी बेटा फातिमा, कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम ना, कोई आपके जाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आप आ नहीं है शो। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। इतना अच्छे से संभाला है ना सुनहरा आपी ने, इतना अच्छे से संभाला है, और इतनी न्यू रेसिपीज जो आपने तो कभी बनाई नहीं थी शो पे, और इतनी मजे की, हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ। आप यकीन करें, मैं अगर नहीं देख रही होती थी टीवी पे और जस्ट सुन रही होती, तो ऐसा लगता था जैसे शीरी आपा बोल रही हैं। हाँ, हमारी आवाज बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, और बस ऐसे लगता था जैसे आप सिखा रही हैं, लेकिन आपा फिर भी आपकी कमी हमें बहुत ज्यादा महसूस हुई। बहुत शुक्रिया बेटा, ये आप लोग का बड़ापन है, आप लोगों की मोहब्बत है। नहीं आपा, आप डिजर्व करती हैं, आप यकीन करें आप नहीं वो कर सकती हैं कि हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझे एहसास है, मुझे पता है बेटा, बहुत शुक्रिया, मेरी जान खुश रही है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये इसको मैं मेल्ट करूँगी, मेल्ट करने के बाद जल्दी 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 हिलाऊंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक कि आप चलिए ब्रेक लेके आइए। बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा, पिघला मक्खन 3 आउंस, बिस्किट्स 250 ग्राम, कैरमल के अज्जा, मक्खन 4 आउंस, ब्राउन शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 केन, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, टॉपिंग के अज्जा, केले स्लाइस में कटे 3 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 कप, बनाना एसेंस चंद कतरे, कद्दूकश चॉकलेट 1 से 1.5 कप।
बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा पिघला मक्खन 3 ounce बिस्किट्स 250 ग्राम कैरमल के अज्जा मक्खन 4 ounce ब्राउन शुगर आधा कप कंडेंस मिल्क 1 can बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे टॉपिंग के अज्जा केले स्लाइस में कटे 3 अदद फिटी हुई क्रीम 1 cup बनाना एसेंस चंद कतरे कद्दूकश चॉकलेट 1 to 1.5 cup वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम बना रहे हैं बनोफी पाए, ठीक है। अच्छा देखें, वो बिस्किट सेट हो गया, राइट। फिर मैंने बनाया कैरमल ये रहा, ठीक है। लेकिन कैरमल थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, बाकी मैंने अपने बिस्किट बेस पे डाल दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। और इसको इसमें जो थोड़ा सा निकाला था उसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम और बटर स्कॉच एसेंस, या बटर स्कॉच या बनाना एसेंस, मर्जी है आपकी। आई लव द फ्लेवर ऑफ बटर स्कॉच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अप्पा जानी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। वेलकम बैक अप्पा जानी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। बहुत मिस किया आपको, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया बेटा। मगर सुमेरा ने आपकी कमी बहुत पूरी की है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शोज किए उसने। चले आप लोग को पसंद आए, अल्लाह का जी, बहुत। उसकी रेसिपी भी ट्राई की है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, इतने दिनों बाद आपको देखने लाए, बहुत अच्छा लग रहा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खुश रहिए बेटा, इतना मान देते हो मुझे, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीते रहिए। ये कॉपिंग के लिए, अच्छा बस मैं उसको जा रही हूँ निकालने। अब उसको हम निकाल के उस पर बनानास डाल देते हैं। सेट तो नहीं हुआ है, हो जाएगा। मुझे चॉकलेट चाहिए, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास। इसको आपको कद्दूकश करना है टॉपिंग के लिए। अस्सलामु अलैकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम आपा, वेलकम बैक। इट्स सो नाइस टू सी यू एंड इट्स सो नाइस टू हियर कि यू हैव सच अ गुड टाइम। आई हैड अ वंडरफुल टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुझे कहना था कि हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन हमने सुमेरा के शोज भी बहुत एंजॉय किए। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आपा इट वाज अ प्लेजर टू सी हर वर्क। खाना तो माशाल्लाह से मसाला पे बहुत लोग सिखा देते हैं हमें, लेकिन एक चीज जिसकी यूनिक थी और अनयूजुअल थी वो ये थी कि हर प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, मतलब अमेजिंग। और वो एक चीज है जो ये मसाला में मैं कहना चाह रही थी किसी से कि लैक करता है, यू नो, कि आप अपने डिशेस को, आप अपने खाने को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं भी नहीं करती, सच्ची बात है। एक्चुअली मैंने सुमेरा से यही कहा था, मैंने कहा आपका कभी एक टिपिकल स्टाइल और सबका, जितने भी शेफ है एक टिपिकल वो मतलब थोड़ा थोड़ा कर लिया, बट उसने जो ग्लास में अपना फूल लगा के किया, या यू नो द वे शी वुड प्रेजेंट हर फूड, इट रियली एडेड वैल्यू। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में ये मेरा मैसेज किसी मैनेजमेंट तक पहुंचा सके कि अगर सुमेरा को एक शो दे दिया जाए जिसमें वो प्रेजेंट कर सकें नैपकिन कैसे लगाएं, नैपकिन होल्डर्स में फूल कैसे लगा लें, यू नो, बिकॉज
इससे बहुत लोगों का फायदा होगा. मुझे बहुत शौक है, मैं खुद करती हूँ, तो मुझे आई अप्रिशिएटेड व्हाट शी डिड. एंड आई थिंक लोग इतना देते हैं लोगों को आजकल बाहर से अपना करवाते हैं सारा केटरिंग एंड ये जितना भी उनका होता है, तो अगर वो खुद यहाँ से सीख लें तो बहुत सी लड़कियाँ खुद अमेजिंग काम कर लें. ठीक है बेटा, हमारी मैनेजमेंट डेफिनेटली सुन रही है, हमारे जीएम बैठे हुए हैं अल्ताफ, वो सुन रहे हैं. अब वो तो बेटा सब उनके हाथ में है, ठीक है ना? ठीक है जी, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर उन तक मेरा मैसेज पहुंच जाए दैट विल बी वेरी गुड. ठीक है समीना, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह. बस आई एम हाईली ऑनर्ड कि आप लोग ने सुमेरा को इतना पसंद किया. बस मुझे वाकई में मुझे बहुत खुशी है. आप यकीन करें, नॉट दैट कि आई एम हर मदर, लेकिन वो मेहनत बहुत करती है, चाहे वो अपनी क्लासेस हों उसकी जो वो घर पे कराती है या शो किया उसने घर पे क्लासेस कराती है, उसका यही हाल है. मैं तो कराती थी जब क्लासेस, जब मेरा सुबह शो होता था क्लासेस कराई, मेरी स्टूडेंट सुन रही होंगी, और ये हकीकत है कि मैंने क्लास खाना पकाया, क्लासेस कराई, फौरन सबको चखाया, अल्लाह हाफिज़. लेकिन वो एक एक चीज़ में मेहनत करती है. अच्छा जी, ये हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मिक्सचर है, अब ये आपकी मर्जी है. ठीक है, आपको पाइप करना है, वैसे ये पाइप होगा नहीं. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इसको स्प्रेड करूँगी. कवर करना है केलों को, इसलिए अगर आपने केलों को बनाना उसको कवर नहीं किया तो वो डिसकलर हो जाएंगे, उसका कलर ख़राब हो जाएगा और वो बात नहीं आएगी. और फिर इसके ऊपर हमें खूब सारी चॉकलेट कद्दूकश करके और स्प्रेड करनी है. ब्रेक आ गई. चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है. आपने देख लिया कि इस तरह से मैं इसको ये कर रही हूँ. ठीक है, मैंने स्प्रेड कर दिया. चॉकलेट मेरे पास यहाँ रखी हुई है, मैं कद्दूकश करूँगी और इसको मैं डाल रही हूँ फटाफट फ्रिज में, ताकि ये जल्दी से हमारे शो ख़त्म होने से पहले सेट हो जाए. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा, पिघला मक्खन 3 ounce, बिस्किट्स 250 ग्राम, कैरमल के अज्जा, मक्खन 4 ounce, ब्राउन शुगर आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 can, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, टॉपिंग के अज्जा, केले स्लाइस में कटे 3 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 cup, बनाना एसेंस चंद कतरे, कद्दूकश चॉकलेट 1 से 1.5 cup. बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा, पिघला मक्खन 3 ounce, बिस्किट्स 250 ग्राम, कैरमल के अज्जा, मक्खन 4 ounce, ब्राउन शुगर आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 can, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, टॉपिंग के अज्जा, केले स्लाइस में कटे 3 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 cup, बनाना एसेंस चंद कतरे, कद्दूकश चॉकलेट 1 से 1.5 cup. जी जनाब, वेलकम बैक. चॉकलेट ग्रेटेड, भर दें पूरा. ठीक है, और बस अब आप इसको चिल करने रख दीजिए. आपका बनोफी पाए कितना आसान है. देखो, इसको आप शॉट ग्लासेस में भी बना सकते हो, आपकी बिल्कुल मर्जी है. ठीक है, चलें
this is done. इसको मैं डाल रही हूँ फ्रीज़र में. आते हैं मसाला फ्राइड बीफ. इसके लिए आपको अंडरकट चाहिए लाजिम. लेकिन अगर अंडरकट नहीं है, एक मिसाल है, तो फिर आप बीफ ले लीजिए. बीफ से आप बना तो सकते हैं, लेकिन वो स्टेप आपको बॉईल करना पड़ेगा. ठीक है, आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है कि आपको गोश्त बॉईल करना है मैरिनेट करके अदरक लहसुन के साथ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये अंडरकट है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है. ये देखें अंडरकट जूलियन. ठीक है, आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है अंडरकट आधा किलो, लेकिन आधा किलो ये इतना सा बनता है तो मैंने 750 ग्राम लिया है अंडरकट. ओके, अंडरकट 750 ग्राम्स मैंने लिया है. इसमें कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र आप यूज़ कर लो. करना है, अंडरकट में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें आपको करना है. ठीक है, 1 टीस्पून कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र ये डाल दिया आपने. अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून. ठीक है, और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, गौर से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होइए. जो नेक्स्ट स्टेप आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है वो ये है कि आप इसको आधा कप पानी डाल के और बॉईल कर लो. ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग अंडरकट एंड देयर इज नो नीड. और वैसा भी पपीता लग गया है, मीट टेंडराइजर लग जाएगा, तो आपको इसको कोई बॉयल शॉयल करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब मैं क्या करूँगी, तेल देंगे. कौन सा तेल? हम सबका फेवरेट ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल. अच्छा, तेल आपको लेना है अबाउट 1/4 कप, लेकिन मैं ज़रा सा ज़्यादा लूँगी बिकॉज अंडरकट ज़्यादा है. 1/4 कप है, मैं ज़रा सा ज़्यादा ले रही हूँ. 1/4 कप आपने ले, 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा आपने तेल ले लिया. इसमें आप डालेंगे कड़ी पत्ता, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक. कड़ी पत्ता, कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, कितने लोग कनाडा से, अमेरिका से, कड़ी पत्ता नहीं मिलता, खशखाश नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता. अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें जितनी कनाडा में और अमेरिका में मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती. उफ़, अनबिलीवेबल. एक शॉप है कनाडा में बल्क बान, ठीक है, वहाँ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ. मेरी भाभी मुझे ले गई, मैं उस दुकान में पागल हो गई थी. बोरियाँ भरी हुई हैं चीज़ों की. आप होलसेल प्राइस पे जाके वहाँ आप एक पाव ले लें, केक डेकोरेशंस, मकई का आटा, बेसन, फलाना. कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो उस दुकान में ना हो? अनबिलीवेबल. कड़ी पत्ता सब मिलता है आप लोगों को, आप ढूंढें. ये देखें, जिंजर गार्लिक चॉप, कड़ी पत्ता चॉप. अस्सलाम वालेकुम रोजी. हेलो माय स्वीटहार्ट, वेलकम वेलकम टू पाकिस्तान. थैंक यू रोजी. हाउ आर यू? एंजॉय? ओह रियली, थॉरली. एंड सुमेरा वाज डूइंग अ वेल डन जॉब, यू नो. अच्छा, मोर शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हरसेल्फ, यू नो, वेरी नाइस. ओके, एंड द थिंग इज दैट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट सुल्ताना आपा to bring one more branch in Masala Channel 3, you know, that is Sumera. Thank you, beta. Aap logo ki mohabbat ka behad. Too good she was, too good she was. Achha. And I'm praying for her. I request Sultana Appa, because she did like such a thing, no? She brought masala in our life. Oh, she brought wow. masala in our life, and people are like benefiting it from it. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay. Thank Just you, I'm Rosie. I'm praying for Sumera. Like, she has to have her own individual प्रोग्राम. थैंक यू बेटा. रोजी खुश रहिए, जजाकला. अच्छा जी, देखें प्याज डाल दी हमने, ठीक है,
और इसकी प्याज मोटी कटेगी, आप देख रहे हैं ना मोटी है, तो मतलब जो हम सालन के लिए काटते हैं उससे मोटी है। मैं थोड़ी सी और डालूंगी, एक बड़ी या दो प्याज, छोटी हैं तो तीन ले लीजिए, ठीक है। और इसको ब्राउन नहीं करना है। आपने कड़ी पत्ता डाला हैंडफुल, चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून एंड 1 लार्ज अनियन स्लाइस्ड। ये सब कुछ डाल दिया आपने, और आपको कुक्ड, आपकी मेथड में लिखा हुआ है एड इन द कुक्ड बीफ, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैंने बॉयल नहीं किया, मैं कच्चा अंडा कर डाल रही हूँ, ठीक है। तेज आंच पे फ्राई करें वरना अंडा कट पानी छोड़ेगा। आप इस रेसिपी को अगर बीफ नहीं खाते हैं, नहीं पसंद है, तो आप बिल्कुल चिकन से बना लें। ठीक है, आप देखो चूल्हा तेज है, आंच तेज है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुश हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आई हैं, और दिल बड़ा खुश हुआ है। बहुत आपा आपकी कमी महसूस हो मैंने, क्योंकि सुमेरा थी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी जबरदस्त चीजें उसने दिखाई है, लेकिन ये कि महसूस तो करते थे आपकी कमी, लेकिन ये कि दुआ दिल से निकलती थी आपके लिए कि अल्लाह ताला खैरियत से आपको लाए, जिस मकसद के लिए गई आप अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन, थैंक यू जी, थैंक यू शुक्र। और आपा बहुत जबरदस्त चीजें उसने भी सिखाई है, हमें बहुत मजा आया, कुछ तो हमने ट्राई किया और अभी ट्राई करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, ये अच्छी तरह आपको फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। जल्दी से तेज़ पे करिएगा, अगर हल्के पे करेंगे तो वो पानी छोड़ने लगेगा, ठीक है। अब इसके ड्राई स्पाइसेस बहुत सारे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीसिए कॉफ़ी ग्राइंडर में। सबसे पहले आपको सौंफ लेनी है 1 खाने का चम्मच, फेनल सीड्स सौंफ, ठीक है, फेनल ये रखिए, सौंफ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, ठीक है, मैं एक साथ करती जा रही हूँ। काली मिर्चें चली गई है, छोटी इलायची पिसी हुई 4, तकरीबन 1/4 टीस्पून वो चली गई। उसके बाद में बादियान का फूल, ठीक है, वो आपको पीसना है, 1/2 टीस्पून आपको चाहिए। इसमें है बादियान, लौंग, दालचीनी, ये तीनों चीज़ें इसमें है, ठीक है, ये लौंग है, सॉरी, बादियान, लौंग इसमें चला गया और दालचीनी, तीनों चीज़ ये हो गई। उसके बाद आपको चाहिए नारियल पिसावा, ये, ठीक है, ये आपको चाहिए नारियल, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है उसको आप पीस लें। कुटावा धनिया जाएगा, कुटावा ज़ीरा जाएगा, मैं अभी डाल रही हूँ। देखें तेज पे भी पानी है लेकिन कितना कम है, देखा आपने, बहुत मज़े का होता है, इसको आप डिनर्स में सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मसाले जाएंगे, आपको डालना है भुनावा कुटावा धनिया 1 टेबलस्पून, मैं इधर प्याले में निकालती हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो उसकी आवाज़ से। 1 मिनट दे दो अल्ताफ, सिर्फ 1 मिनट, 1 टेबलस्पून आपने ये डाल दिया। उसके बाद आप इसमें भुनावा कुटावा ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्चें कश्मीरी,
ठीक है, पानी में घोल के और भिगो के रखिए और पीस के डालना है। मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ। ये धनिया, ज़ीरा, सारे दालचीनी, बादियान, लौंग, ये सब कुछ पिसा हुआ ये इसमें डाल रही हूँ। कोकोनट डाल रही हूँ इसमें, ठीक है, और ब्रेक से आती डाल दूँ। ओके, चलें ये हो गया, ये सारा ड्राई स्पाइसेस चले गए, ये पिसी हुई मिर्चें जा रही हैं। ठीक है, हल्दी नहीं गई है, हल्दी और नमक देखें, हाँ मज़े का होता है ये। इसको आप नान के साथ सर्व करिए, पराठे के साथ सर्व करिए, या आपकी अपनी खुशी है। हल्दी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी और नमक, वन टी स्पून, ठीक है, सब कुछ चला गया। अब ब्रेक का टाइम है, लेकिन आप ये देख लो मैं उतारने वाली हूँ। इसमें आप सब्जियाँ डालेंगे और इसको उतार लीजिए बस दो मिनट फ्राई करके। एक शिमला मिर्च स्लाइस्ड, तीन चार हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, ये चला गया। उसके बाद गलती से टमाटर मेरे कुक ने चॉप कर दिए, चॉप नहीं होने चाहिए, लंबाई में होने चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, आप लंबाई में काटिएगा। चलें जी, ब्रेक आ गई है और इसको बस आप जल्दी से फ्राई करें, पाँच मिनट और उतार लीजिए, सब्जियाँ गलनी नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीफ मसाला फ्राइड अज्जा, अंडर कट जूलियन आधा किलो, मीट टेंडराइजर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, खुश्क अज्जा, पिसी सौंफ एक खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च एक खाने का चमचा, पिसी हरी इलायची चार अदद, पिसी लौंग चार अदद, छोटी इलायची दो अदद, पिसा बादियान आधा, कटी अदरक एक खाने का चमचा, कटा लहसुन एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च दो अदद, कद्दूकश खोपरा एक चौथाई कप, नमक एक चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया एक खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा एक खाने का चमचा, दीगर अज्जा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल एक चौथाई कप, शिमला मिर्च एक अदद, टमाटर दो अदद, हरी मिर्चें चार अदद, लच्छों में कटी प्याज तीन अदद। बीफ मसाला फ्राइड अज्जा, अंडर कट जूलियन आधा किलो, मीट टेंडराइजर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, खुश्क अज्जा, पिसी सौंफ एक खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च एक खाने का चमचा, पिसी हरी इलायची चार अदद, पिसी लौंग चार अदद, छोटी इलायची दो अदद, पिसा बादियान आधा, कटी अदरक एक खाने का चमचा, कटा लहसुन एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च दो अदद, कद्दूकश खोपरा एक चौथाई कप, नमक एक चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया एक खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा एक खाने का चमचा, दीगर अज्जा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल एक चौथाई कप, शिमला मिर्च एक अदद, टमाटर दो अदद, हरी मिर्चें चार अदद, लच्छों में कटी प्याज तीन अदद। जी वेलकम बैक, हमारा स्पाइसी बीफ मसाला रेडी है, ठीक है, मैंने अंडरकट से बनाया है। आप प्लेन गोश्त से भी बना सकते हैं चाहे बीफ, लेकिन इट शुड बी बोनलेस। बीफ हो गया, मटन हो गया, ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन अगर बीफ और मटन से बना रहे हैं तो आपने अदरक लहसुन, कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र और नमक के साथ उसको बॉईल करना है, मैरिनेट करना है, एक कप पानी डाल के उसको हाफ डन कर लेना है और फिर तेल गर्म करके कड़ी पत्ता के साथ जिस तरह से मैंने पकाया उस तरह पकाना है। लेकिन अगर अंडरकट या चिकन हो तो मैरिनेट किया और कोई बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आपने तेल डाला, कड़ी पत्ता डाला, अदरक लहसुन चॉप डाला और आपने कुक कर दिया, डन। ओके, नाउ आई कम टू माय थर्ड रेसिपी। आपका मीठा भी टेबल पे, आपका वो भी टेबल पे। ओके जी, अब मैं आ रही हूँ अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ,
जो कि हम बना रहे हैं मेडिटेरियन पनीनी। पनीनी ब्रेड आपको कोई भी बेकरी अच्छी आपको दे देती है, और पनीनी ब्रेड बहुत किस्म की मिलती है यहाँ पे। अब ये है, मैंने वहाँ जो पनीनी खाई है वो बिल्कुल अलग ब्रेड में था। तो जिसको जहाँ पे रहते हैं और जो किस्म की पनीनी ब्रेड मिलती है आप उसमें बना लीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी पनीनी ब्रेड मिली, मैंने एक ऑलिव वाली बनवाई उससे, और एक मैंने उसको कहा था कि मुझे ओरिगानो वाली बना दो, और इसको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे तीन सीने चाहिए चिकन के, जो कि हमने फ्लैटन कर लिए, 3 चिकन ब्रेस्ट फ्लैटन। इसको मुझे मैरिनेट करना है विद 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर, जीरा, वन टीस्पून, भुनावा कुटावा, ठीक है, ये चला गया। चिली पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून चिली पाउडर चला गया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस, क्या बेटा, हॉट सॉस 3 टेबलस्पून्स, आपको बॉटल में मिलती है हॉट सॉस, केचप 3 टेबलस्पून हॉट सॉस, केचप 3 टेबलस्पून हो गई, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र रंजीता, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है आंटी, वेलकम बैक होम एंड ऑन द ईबीएस शो, आल्सो ईडब्ल्यूएस शो। थैंक यू, बट रियली सोमेरा नेवर मेड अस रियलाइज दैट आप नहीं है शो पर, मतलब उन्होंने तो शी जस्ट एनहांस आवर कल्नरी स्किल्स इन एवरी एस्पेक्ट, ऑल गुड प्रेयर्स एंड विशेस फॉर हर। और बहुत अच्छा लगा आज आप आकर शो भी ज्वाइन किया, और जो जो वहाँ पे आप सीख कर आई है, खाकर आई है, सिखाऊंगी, सिखाइएगा, और पंपकिन कॉफी, हाँ वो मैंने 2 दफा पी है आपके कहने पे स्टारबक्स पे, हाँ सिखाऊंगी। लेकिन पता है रंजीता, उसमें मसला क्या है कि आपको पम्पकिन स्पाइस चाहिए, ठीक है, यूनिक वो मिलता है इधर बहरीन में, बहरीन में मिलता है ना, आप लेके क्यों नहीं आए अपने साथ, मिलता है यहाँ बहरीन में मिलता है। अच्छा चलें, बस वो है कि मेरे को नहीं, अच्छा चलें मैं कोशिश करती हूँ, हाँ माय ब्रदर एंड भाभी आर कमिंग नेक्स्ट मंथ, मैं मंगवाती हूँ, ठीक है, हाँ मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया, और बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू यू, खुश रहो बेटा, जज़ाकअल्लाह। अच्छा मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, हॉट सॉस डाल दिया, केचप डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया, भुनावा कुटावा ज़ीरा डाल दिया, और बेकिंग पाउडर डाल दिया, सब कुछ चला गया, क्या बच गया, नमक। और अब हम इसको ग्रिल करेंगे, जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है, नमक चला गया, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम तेल डालेंगे बहुत थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून इटालिया का बेहतरीन तेल, विच इज़ वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट,
good for your health. This is made, packed, produced in Spain. ठीक है जी, देखें चूल्हा हो रहा है गरम. इसको मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ. आप लोग जाइए ब्रेक पे और इसको मैं उठाऊंगी और बस इधर ग्रिल करूँगी. ठीक है, ग्रिल करके वापस आते हैं, फिर इसकी सॉस और जो असेंबलिंग है वो आपके सामने. मेडिटेरेनियन पनीनी चिकन मैरिनेट करने के अज्जा. चिकन ब्रेस्ट 3 अदद, बेकिंग 3 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच. सॉस के लिए अज्जा, कटे टमाटर 4 अदद, कटी शिमला मिर्च आधी, कटा लहसुन 1/2 चाय का चम्मच, कटे बादाम 10 अदद, तेल 1/2 कप, सिरका 1/4 कप, पार्सले 1 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, थाइम 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, क्रीम 1/4 कप. ग्रिल्ड सब्जियों के अज्जा, लच्छों में कटी प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, जैतून 4 खाने के चम्मच, नमक काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच. असेंबल करने के अज्जा, पनीनी ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चम्मच, चीज स्लाइस 2 अदद. मेडिटेरेनियन पनीनी चिकन मैरिनेट करने के अज्जा. चिकन ब्रेस्ट 3 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच. सॉस के लिए अज्जा, कटे टमाटर 4 अदद, कटी शिमला मिर्च आधी, कटा लहसुन 1/2 चाय का चम्मच, कटे बादाम 10 अदद, तेल 1/2 कप, सिरका 1/4 कप, पार्सले 1 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, थाइम 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, क्रीम 1/4 कप. ग्रिल्ड सब्जियों के अज्जा, लच्छों में कटी प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, जैतून 4 खाने के चम्मच, नमक काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच. असेंबल करने के अज्जा, पनीनी ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चम्मच, चीज स्लाइस 2 अदद. जनाब वेलकम बैक. अच्छा टाइम बहुत शॉर्ट है, आप और से सुन लीजिए मैंने क्या किया है. मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे 4-5 और उसको चॉप करके रखा. उसमें मैंने शिमला मिर्च डाली 1 चॉप की हुई और उसमें मैंने डाला चॉप्ड गार्लिक थोड़ा सा, ठीक है, 1/2 टीस्पून. ये डालने के बाद मैंने उसको ब्लेंड करवा लिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया और उसमें मैंने ये टमाटर, शिमला मिर्च और गार्लिक का मिक्सचर डाल के और इसको मैं कुक कर रही हूँ. अब इसमें मुझे बादाम डालने, पिसे हुए आलमंड पाउडर डाल दें या पीस के बादाम डाल दीजिए. ठीक है, तकरीबन 10 बादाम लिए थे, बॉईल करके छिलका उतार के सुखा के पीस लिया, वो डाल दिया आपने. फिर आप इसमें डालेंगे 1/4 कप सिरका, 1/4 कप सिरका डालना है आपको. और आपको इसमें डालना है पैप्रिका और थाइम. ये पैप्रिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, थाइम पाउडर डाल दें या थाइम लीव्स डाल दीजिए ड्राइड, 1/2 टीस्पून. ये चला गया. चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून. ये इसकी सॉस है, मेडिटेरियन सॉस पनीनी के लिए. चीनी चली गई. अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून. ठीक है, ब्लैक पेपर चला गया. सॉल्ट बहुत थोड़ा सा जाएगा, हार्डली 1/2 टीस्पून सॉल्ट चला गया. उसके बाद आपको इसमें क्रीम डालनी है. और जो इसकी वेजीज हैं वो 1 प्याज रिंग्स में काट लें,
या स्लाइस में काट दीजिए। शिमला है, इसको मैंने जिस पे चिकन आपकी मैरिनेट करके फ्राई की थी ना, उसी पे मैंने इसको डाल दिया और अब बंद भी कर दिया। ये क्रीम हो गई, थोड़े से मुझे ऑलिव्स चाहिए और ऑलिव्स मैं यूज़ कर रही हूँ इटालिया के ब्लैक ऑलिव्स। आपकी मर्जी, इफ़ यू लाइक ग्रीन यू कैन ऐड ग्रीन, इफ़ यू लाइक बोथ यू कैन ऐड बोथ। चलें, ये हमारी वेजीज हो गई। ओके, अच्छा चिकन मैंने जो मैरिनेट की थी आपके सामने, उसको मैंने क्या किया, ग्रिल किया इसी फ्राई पैन पे और उसको मैंने श्रेड करवा लिया है। ये देखें, ये हमारी ग्रिल्ड वेजीज हो गई हैं पनीनी के लिए। ठीक है, क्रंची और मज़े की होनी चाहिए। ये तीन मुर्गी के सीने थे। अब हमें करना क्या है, आप देखिए, पनीनी ब्रेड बीच से काट लिया, बटर लगा लिया। मेरे पास इतना बड़ा ग्रिल पैन नहीं है तो मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। बेटा एक मिनट, ये देखें। ओके, आप ये नहीं करेंगे, आप एक दिन पहले बना लीजिएगा सॉस ताकि ये ऐसी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। सिर्फ एक देख लें, फिर मैं कर लूँगी ब्रेक में, इसकी असेंबलिंग देख लीजिए। ठीक है, अब आप चलिए ब्रेक पे, मैं इधर क्या करूँगी, इसको ये जो साइड है सीधा साइड को मैं उल्टा रख रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेडिटेरेनियन पनीनी चिकन मैरिनेट करने के अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 3 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच। सॉस के लिए अज्जा, कटे टमाटर 4 अदद, कटी शिमला मिर्च आधी, कटा लहसुन 1/2 चाय का चम्मच, कटे बादाम 10 अदद, तेल 1/2 कप, सिरका 1/4 कप, पार्सली 1 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, थाइम 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, क्रीम 1/4 कप। ग्रिल्ड सब्जियों के अज्जा, लच्छू में कटी प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, जैतून 4 खाने के चम्मच, नमक काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। असेंबल करने के अज्जा, पनीनी ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चम्मच, चीज स्लाइस 2 अदद। तरकीब, सॉस के लिए कटे टमाटर, कटी शिमला मिर्च, कटा लहसुन और कटे बादाम चॉप करके रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके कटे अज्जा और सॉस के दीगर अज्जा शामिल करके 15 मिनट पकाएं। गाढ़ा होने पर इन्हें निकाल लें। फिर एक बोल में चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद इसे ग्रिल पैन पर 1 खाने के चम्मच तेल में ग्रिल कर लें और रख दें। ग्रिल्ड सब्जियों के लिए ग्रिल पैन पर तेल गर्म करके तमाम सब्जियां और मसाले डालकर 5 मिनट ग्रिल करें और निकाल लें। सैंडविच असेंबल करने के लिए पनीनी ब्रेड स्लाइस पर सॉस डालें। अब इस पर चीज स्लाइस और ग्रिल की हुई चिकन शामिल कर लें। फिर इस पर सब्जियाँ डालकर पनीनी ब्रेड से कवर कर लें। आखिर में पनीनी स्लाइस को ग्रिल पैन पर मक्खन लगाकर सेंक लें और सर्व करें। बनोफी पाए, बेस के लिए अज्जा, पिघला मक्खन 3 आउंस, बिस्किट्स 250 ग्राम, कैरमल के अज्जा, मक्खन 4 आउंस, ब्राउन शुगर 1/2 कप, कंडेंस मिल्क 1 केन, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, टॉपिंग के अज्जा, केले स्लाइस में कटे 3 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 कप, बनाना एसेंस चंद कतरे, कद्दूकश चॉकलेट 1 से 1.5 कप। तरकीब, बेस बनाने के लिए बिस्किट्स को चूरा करके मक्खन में मिक्स करें। अब इन्हें 7 इंच की पाई ट्रे में दबाकर फ्रीजर में 15 मिनट ठंडा करें या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 10 मिनट बेक कर लें। कैरेमल सॉस बनाने के लिए एक पैन में कैरेमल के तमाम अज्जा डालकर पकाएं और निकाल लें। फिर इस सॉस को बेस के ऊपर डालें और 30 मिनट ठंडा कर लें। उसके बाद इस पर फिटी हुई क्रीम, केले के स्लाइस, बनाना एसेंस और कद्दूकश चॉकलेट डालकर सर्व करें।
Beef masala fried, ajza, undercut julienne aadha kilo, meat tenderizer aadha chai ka chamcha, adrak lehsun ka paste ek khane ka chamcha, khushk ajza, pisi saunf ek khane ka chamcha, pisi kali mirch ek khane ka chamcha, pisi hari laichi 4 adad, pisi long 4 adad, choti laichi 2 adad, pisa badiyan aadha, kati adrak ek khane ka chamcha, kata lehsun ek khane ka chamcha, haldi aadha chai ka chamcha, pisi talhar mirch 2 adad, kaddukash khopra ek chathai cup, namak ek chai ka chamcha, bhuna kuta dhaniya ek khane ka chamcha, bhuna kuta zeera ek khane ka chamcha, tigar ajza, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल 1 चौथाई कप, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, लच्छों में कटी प्याज 3 अदद, तरकीब, अंडरकट पर अदरक लहसुन का पेस्ट और मीट टेंडराइजर लगाकर 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब इसे पैन में डालकर पानी शामिल करें और ढककर गलने तक पकाएं। उसके बाद निकाल लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, कटी अदरक, कटा लहसुन, कटी प्याज, पकाया हुआ अंडरकट, खुश्क अज्जा और सब्जियाँ डालकर तेज आँच पर फ्राई करें और सर्व करें। बनोफी पाए बेस के लिए अज्जा पिघला मक्खन 3 आउंस बिस्किट्स 250 ग्राम कैरमल के अज्जा मक्खन 4 आउंस ब्राउन शुगर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क 1 केन बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे टॉपिंग के अज्जा केले स्लाइस में कटे 3 अदद फिटी हुई क्रीम 1 कप बनाना एसेंस चंद कतरे कद्दूकश चॉकलेट 1 से 1.5 कप जी जनाब वेलकम बैक देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और इसी के साथ आप लोगों का प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है हमने मेडिटेरियन पनीनी बनाई हमने बैनफी पाए बनाए हमने बीफ मसाला फ्राइड बनाया थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी टू गिव मी अ वार्म वेलकम हियर एट मसाला टीवी थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फैंस टू अप्रिशिएट सुमेरास वर्क Thank you to all my fans who called on my show and appreciated Sumaira so much. Khush rahiye aap log sab, abaad rahiye. Ek request hai bas mere bachon ko hamesha duaon mein yaad rakha karein. Isi ke saath waqt hai aap se ijazat lene ka. Zindagi bakhair kal aap se zarur mulaqat karenge agar Allah Taala ne chaha to. Chef Ashad ke saath. मिलेंगे आपसे कल शाम 6:30 बजे साथ दीजिएगा मेरा और हम सबको मेरी टीम को मेरे डायरेक्टर साहब को सबको दुआ में याद रखें थैंक यू सो मच वंस अगेन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मसाला है तो खाने में है मजा